यार जावेद बीच में आ गया खुशपत नहीं खुशपत नहीं बोलते क्या बोलते असल जरूरत है सर जी हमने फ्री करवा दिया सर जो भी हमारे साथ फसल सर इसको प्रॉब्लम फास्ट लग रहा है सेप्टिक इनको बताना था साहब को सब ध्यान रख रहे जी सर किसी भी चीज़ की इनकी जरूरत है मुझे बताना कोई भी इशू रोड में कोई एक्सीडेंट हो गया था जी समबडी फ्लैश किसी ने हिट किया तो उसके बाप बेटा वाज इंजर्ड मेरा फर्ज बनता था उनको अपने स्कॉट में बिठा कर यहाँ भेजा एंड थैंक्स टू द टीम ऑफ डॉक्टर्स दे आर वंडरफुल पीपल इन्होंने इमीजिएटली मेरा स्कॉट आया उनके साथ तो एक होता है समाज में कोई दिक्कत ये है कि वैन रोड एक्सीडेंट होता है लोग उठाते नहीं जी जी ये मैंने जम्मू में भी देखा यहाँ तो मुझे लगता है अगर एक मिनिस्टर उठता है उठाएगा तो लोग भी उठाएंगे है ना तो ये इंसानी फर्ज बनता है एंड आई एम हैप्पी बहुत अच्छे से इलाज किया बहुत आउट ऑफ डेंजर नो ना बहुत आ रहा है उनको लेग इंजरी कहीं टांग टूटी है कुछ तो एंड देव बहुत अच्छा इलाज किया सर सुना है आपने अपनी गाड़ी उन्हें प्रोवाइड नहीं करने का माल अब मैं मुझे सरकार ने लोगों के लिए गाड़ी दी है ना अच्छा सर जिस तरीके से आप निज़ाम चला है आपको आज बाकायदा तौर पर कुछ जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं सो किस तरीके से देखेंगे इन जिम्मेदारियों को और किस तरीके से निज़ाम चलेगा आगे इसके बारे में क्या देखो मैं एक ही बात पूरे कश्मीर को जम्मू कश्मीर के आवाम को बोल देना चाहता हूँ कि एक बेहतरीन चीफ मिनिस्टर आपको मिला मुझे पास्ट का तो पता नहीं लेकिन मैं आज की बात करूँगा वंडरफुल ह्यूमन बींग बहुत शानदार ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला मेरे जैसे आज़ाद आदमी को बुलाकर खुद मिनिस्टर बनाया उन्होंने मेरे पास तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी मैं तो इंडिपेंडेंट था एक उन्होंने मुझे बुलाया दैट यू विल बी इन माई कैबिनेट कोई नहीं करता बिना किसी पैसे के बिना किसी चीज़ के उन्होंने मुझे मिनिस्टर बनाया और मैं उनको यकीन दिलाता हूँ मैं कोशिश करूँगा अपनी ड्यूटी अच्छे से करने की और जैसे यहाँ प्रॉब्लम्स है सबसे पहले डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स है उनको एड्रेस करें विल प्रोवाइड देम विद हेल्प जो चीफ मिनिस्टर साहब का हुक्म है उनको पूरी मदद करेंगे और फिर पेशेंट्स को जहाँ जहाँ ज़रूरत है कोशिश करेंगे एक ईमानदार और एक अच्छा निज़ाम बनाने की कोशिश सर जिस तरीके से अब निज़ाम चल रहा है क्या लगता है बेहतरी आ सकती है आने वाले वक्त में क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अरसे तक जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं उन्होंने बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे इस टाइम तो मैं उम्मीद पर रस्ता वैसे ही मेरा मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला एक बहुत ही पॉजिटिव आदमी है डेवलपमेंट ओरिएंटेड आदमी है वो सॉल्यूशन में विश्वास रखता है उसे जम्मू कश्मीर के नौजवान की चिंता है उनको यहाँ की डेवलपमेंट की चिंता है 11 साल के बाद हमारी हुकूमत है तो हम जो दिल्ली सरकार है उनसे भी इल्तिजा करते हैं रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें हमारी स्टेट वापस दीजिए अगर आपको फिक्र है तो मुझे उम्मीद है वो भी बड़ा दिल करके हमारी इच्छाओं को पूरा करेंगे हमारी स्टेट वापस देंगे हमें ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स दें ताकि यहाँ का नौजवान यहाँ का जो किसान है यहाँ का मुलाजिम है यहाँ का फौजी है यहाँ का बिजनेसमैन है यहाँ के माताएं बहनें उन सब की समस्याएं जो उनका हल हो और उसमें जितना हमसे आई विल आई एश्योर यू कि इस माला जो ये कैबिनेट हम 6 लोगों की है और ऊपर हमारे सीएम साहब हैं हम जब तक हमारे आखिरी कतरा हमारे खून का है वो लोगों की सेवा में निशावर करेंगे वो हमारा एक मिशन है वो हम करेंगे और मुझे आपका बहुत योगदान चाहिए आप प्रेस से हैं सब लोग जी जी देखो हमारा फ़ोन भी इमरजेंसी है तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर थैंक